In part 4 you saw, I was riding without a footrest, and my friend Feroz was out of sight. Feroz is not here. He's gone too far and I fell twice. And I've broken my footrest. See. No footrest there. Yeah, it should be. I'm on my way. I hope I meet you soon. Bye bye. Finally, after an hour, I caught up with Feroz and reached a place called Pang. Is it okay? It's okay. It's been a very tiring day. We went दारचा से थोड़ा आगे से दीपक तल से और मैं दो तीन बार गिरा हूँ. फिरोज़ भी बहुत थक चुका है. मेरा जो फुटरेस्ट है वो टूट गया था. अब हमने कुछ ना कुछ करके उसको ठीक किया है. सो 27th August 2007, इस डे को आज हम यहीं रिटायर करते हैं बिकॉज़ हमारी बैटरी जो मेन बैटरी है वो ख़त्म हो चुकी है और हमारी सिर्फ इमरजेंसी बैटरी जो सिर्फ 45 मिनट्स चलती है वो है. And we have to reach Leh tomorrow. Hi, it's the 28th of August 2007. We are in Pang. I thought that we would leave at 8 o'clock in the morning, but my bike didn't start again. A lot of problems with my bike. Now there is a group of foreigners who are bullet. Let's see, they have said that they are a mechanic, but they said that they will take a little time to come. So we have to wait until. I hope that the mechanic will fix my bike. वरना फिर उसको ले जाना पड़ेगा और वहाँ से फिर मैकेनिक को लेके आना पड़ेगा. टायरिंग है बट एक्सपेक्टिंग दिस. एक्सपेक्टेड दिस. बाय. हाय, आई एम इन पांग एंड फिरोज हैज गॉन टू ले विच इज़ अराउंड 170 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. माय बाइक इज़ गिविंग प्रॉब्लम अगेन. दैट इज़ नॉट द रियल प्रॉब्लम एक्चुअली. आई थॉट this would be a great experience. The thing is that I am in a tent and this is a makeshift arrangement, and the tent next door is playing these really hit Hindi songs. I always thought that if I come to Ladakh I would find peace here. You know, that's the reason I came here, one of the reasons that I came here. Lekin I just realized that no matter where you go, which land, which town, which country, anywhere, you will find peace within you. And I learned this again today. I hope I understand this. Julle! Julle, Daman! अरे यार मानना पड़ेगा, ये लड़कियां बहुत दूर जाती थीं पानी भरने, और वो भी ऐसा पानी जिसमें हाथ डालते हुए भी डर लगता था. Hats off to them यार. उफ, Indian women, you rock. Okay. Huh? Okay, क्या है ये? ये ऐसे है ना वैसे से? ये क्या है? पता नहीं ये. नमक है? ना ना नहीं. मिट्टी. मिट्टी? कैसा मीठा है? हाँ मीठा है बहुत. मीठा है खा के देखूँ? देखो.
थोड़ा सा देना, मैं बीमार हो गया तो। अच्छा है, बचपन में हाँ वो स्लेट था ना, स्लेट हाँ। वो चौक हाँ। वो खाते थे हाँ, वैसा है वही है। फिरोज बेचारा ले गया हुआ था मेरे लिए मैकेनिक लाने, लेकिन यहाँ दो दोस्तों ने मेरी मदद कर दी। थैंक्स यार, थैंक यू वेरी मच। विकी विकी थैंक्स अ लॉट यार। इससे सुबह जितना हो सका बेचारे ने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन वही था कि बैटरी की जरूरत थी बस एक। आज है 29th of August 2007। 28th को रक्षाबंधन डे था और मुझे लगा कि आज 28th है, मैं अपनी बहन को विश भी नहीं कर पाया। एनीवे आज उसको फ़ोन करूंगा और मेरे दोस्त ने पहले से मेरी तरफ से विश कर दिया है। मेरा दोस्त जो कल निकला था पांग से ले के लिए, वो अब मेरे साथ है। जैसे आप देख रहे हैं ये रहा हो, हाय फिरोज। उसकी हालत बहुत ज़्यादा बेंड थी कल, बिकॉज टेंशन मुझे भी थी इस बात की कि वो अकेला गया है। और बाइक पे अगर नॉर्मल सादी बाइक हो और सामान ना हो तो ठीक है, आदमी उठा लेता है, लेकिन बाइक पे सामान भी बहुत ज़्यादा था और अकेला निकला है। उस बात की थोड़ी बहुत मेरे को वो था कि ये सही सलामत पहुँच जाए, बाकी तो देखा जाएगा। सही सलामत पहुँच गया है और सही सलामत मुझे लेने भी वापस आ गया, वो भी सुबह सुबह। रात को 2:30 बजे गाड़ी मंगवाई इसने अपने होटल में और वहाँ से जो चला है ये, अब बज रहे हैं 7 और ये बस अभी 15-20 मिनट पहले मुझे मिला है। एंड इसके साथ एक बहुत बड़ा कांड हुआ है, आप खुद ही सुन लीजिए। बताइए सर अपना जो आपका जो कांड हुआ है, आपको जो एक्सीडेंट होने वाला था, बचते बचते रहे। वो तो जस्ट मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया था क्योंकि मुझे आधी टेंशन इसकी लगी हुई थी कि मैं इसको छोड़ के आया, ये तो सेफ है लेकिन अब मैं इसके पास दोबारा कैसे पहुंचूंगा, और अगर मेरा बीच में टायर पंचर या कुछ हो गया तो मैं इसकी हेल्प कैसे करूंगा और खुद की हेल्प कैसे करूंगा। ये सब सोच में मेरे सामने एक टैंकर आ गया और मैं एकदम से शॉक हो गया। मैंने बोला बेटा अब कोई बातचीत नहीं, अब सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो अपने रोड पर, दैट्स इट। और जैसे तैसे थैंक गॉड या गरीब नवाज मैं पहुँच गया और फाइनली मैं हेल्प लेके आया। हमारी बाइक अगर आप थोड़ा सा देख सकते हैं तो पीछे देख रहे हैं कैसे लटकी हुई है, मतलब उसको बांधा हुआ है हमारे इन दोस्त ने। आपका नाम क्या भाई साहब? आशुक। ओके, ये अपनी गाड़ी लेकर आए हैं। हमारी गाड़ी बहुत ही पंचुअल है टाइम से, मेरे ख्याल से मैंने उनको 3 बजे कहा था और वो 2:30 बजे आ गए और मुझे अच्छा लगा ये चीज़ देख के, क्योंकि बॉम्बे में ऐसा नहीं होता। हाँ बॉम्बे में ऐसा नहीं होता, बहुत लोग आजकल हर प्रोफेशनल होते जा रहे हैं। लेकिन द गुड पार्ट इज कि मैं अपने दोस्त से फिर मिल गया हूँ एंड एक और एक 11 होते हैं जिसे मेरी माँ कहती हैं, और बहुत कुछ सीखा कल। लाइफ ही कुछ ऐसी चीज़ें। कमाल यार, तू तो भावुक हो रहा है। Don't be emotional. All's well that ends well. मिलते हैं बाद में, जुले की बात करेंगे। Hello. All the best. It was so inspiring to see the cyclists. चलिए मैं आपको एक और चीज से इंस्पायर करता हूँ। हाय, आप सोच रहे होंगे ये इतनी कड़कती धूप है और यहाँ इतना कड़कता मौसम जो सन में, इसमें क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। हम हैं अभी फ़िलहाल तांगलांगला में और हम क्रॉस कर रहे हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ विच इज़ अनबिलीवेबल मैन, बोल भी नहीं पा रहा हूँ। ये देखिए, दीज आर आइसिकल्स। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ ओ बॉय, ब्यूटिफुल, लुक एट दैट। ओ माई गॉड, अब मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। Nice, huh? Great. बाद में मिलते हैं, bye. हंसते खेलते गिरते संभलते हम आखिरकार ले पहुंच ही गए
और पहुंचे एक ऐसे गेस्ट हाउस में जो बिल्कुल अपने घर जैसा था। हेलो, संजू कैसे हो? And that's me. Really happy. Bye, see you soon. Watch the cross culture of Leh in part 6.